बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कोई भी अकेला नहीं हो सकता अपनी एज या अपनी चॉइस या किसी भी बात की वजह से। आपको हर धर्म की किताबें मिलती हैं, हर भाषा की किताबें मिलती हैं और हर उम्र की किताबें मिलती हैं, और ये किसी भी बुक फेयर की सबसे बड़ी खासियत उपलब्धि और आपको जाने के लिए मजबूर कर सकता है। प्यारे दोस्तों, बीत गए ये दिन 4 से 12 जनवरी वाले भी, बिल्कुल किसी खूबसूरत त्यौहार की तरह। विश्व पुस्तक मेला मेरे फेवरेट त्योहारों में से एक। अब बस सुख वाली वो थकान, ढेर सारी किताबें और यादें। वैसे तो वो मिट्टी वाली गुल्लक अब मेरे पास नहीं, पर मेरा एक बजट जरूर तैयार होता रहता साल भर यहाँ आने के लिए, क्योंकि चाहे आप कितनी भी ऑनलाइन बुक्स क्यों ना खरीद लें, बुक फेयर में ढेरों किताबों के बीच अपने आप को पाने और पन्ने पलटने का जो आनंद है ना, वो मुझ जैसे किसी पुस्तक प्रेमी को ही पता है। और कई सालों से मेरी भले ही कितनी भी व्यस्तता क्यों ना रही हो, चाहे एक दिन के लिए सही, पर दिल्ली के इस पुस्तक मेले में मैं पहुंचती जरूर हूँ। और वैसे भी इस बार तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खास था, पता है क्यों? क्योंकि आप सभी मेरे साथ थे। ऐसे में जब गुड बाय कहने का वक्त आया तो लगा क्यों ना इस अपने अनूठे सफर की यादें आपके साथ फिर से दोहरा ली जाए। तो चले, हर वर्ग की पसंद बस एक छत के नीचे, गांधी जी की थीम, भारतीय और विदेशी, शानदार स्टॉल, प्यारी भाषाएं, राजकमल, किताब घर, वाड़ी आदि पुराने मजबूत प्रकाशन समूहों के साथ नवारुण प्रकाशन आदि के नए हस्ताक्षर। आइडिया ये है कि जो कि नवारुण का मतलब भी होता है न्यू, नया, नया सवेरा, नया अरुण, है ना। तो आइडिया है कि नई चीजों को हिंदी में लाएं और कैसे यंग लोगों को हम कैच करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भरोसा है वो मेरा यंग लोगों पर ही है, वही चीज़ों को बदलेंगे। और इसीलिए हमने अपने स्टॉल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करी है। मेन मकसद तो है कि लोग पढ़ें, नई चीज़ों को जानें, ताकि हमारी दुनिया और बेहतर बन सके। जब से ये इतने सारे किंडल और मतलब इस तरीके की जो ऑनलाइन चीज़ें आई हैं, पीडीएफ फाइल्स आई हैं कि आप सुन सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा। जो साहित्य को अभी तक हर जगह, हर युवा वर्ग, हर पुराने से लेकर के नए लोगों तक पहुँचा रही है, और यह देश में भी जा रही है और विदेशों में भी जा रही है। खास लोगों से मुलाकात, बड़ी हस्तियों से मिलना और अपनों के साथ जमकर की गई मस्ती, नए लेखकों से प्रसिद्ध लेखकों तक, ऑथर्स कॉर्नर से सांस्कृतिक मंच तक, प्रतियोगिताओं से काउंसलिंग तक, बच्चों से बुजुर्गों तक। इंफॉर्मेटिव एंड अ वेरी गुड कलेक्शन। आफ्टर कमिंग हियर आई नो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स ऑफ द सिंग वन। आई आल्सो नॉर्मली आई एम नॉट टेकिंग बुक्स ऑफ द सिंग दिस वन मायसेल्फ आई पिक अप द बुक्स। जितनी ही भीड़ किताबों के स्टॉल पर, उतनी ही जूट बैग और क्रैक्स स्टोर जैसे स्टोर्स तक। यहाँ पर आए हुए हैं विश्व पुस्तक मेला 2020 पर, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राइटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक आ रहे हैं जो कि पुस्तक प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं। तो ये साहित्य प्रेमियों का एक मेला है, यहाँ पर एंजॉय करें और आपस में प्रेम भाव बनाते रहें, क्योंकि साहित्य का ऐसा मार्ग होता है जो लोगों के बीच में आपस में प्रेम बढ़ाता है। तो साहित्य पढ़ते रहें, लिखते रहें और अपना ख्याल रखें और सुनते रहें। नक्षत्र 2020 का पूरा सेक्शन ग्रह रत्नों से भरा हुआ, तो तोते वाले पंडित जी भी वहाँ। मक्के की रोटी से चाइनीज स्वाद, कहीं चाय गरम तो कहीं चना जोर गरम। क्या क्या छोड़ूं दोस्तों और क्या क्या बताऊं, जहां का हर शख्स भी एक किताब की तरह मिला मुझे उस अद्भुत पुस्तक मेले को। गुड बाय दोस्तों, अगले साल फिर साथ चलते हैं, प्रॉमिस, बाय।